अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक हैं। आज आपके साथ मैं लेके आ गया हूँ दुबई के अंदर पैकिंग की जॉब, और किस में लेके आ गया हूँ, कोई जो चिकन वगैरह पैकिंग की मैंने पहले बनाई है वो नहीं है, और शूज़ पैकिंग की भी बनाई है वो भी नहीं है। फूड की पैकिंग की कंपनी है, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। आप अपनी मतलब एक छोटी सी फीस पे करके आप दुबई में पैकिंग कंपनी में जा सकते हैं, और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और बहुत कम फीस है, इसलिए मैं पैकिंग की जॉब की वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, और आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यार जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो सपोर्ट नहीं करते मुझे, लेकिन उसकी वजह से मुझे दुख होता है कि यार आप मुझे व्यू तो बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, उससे ये होता है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए और इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो विज़िट करें, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, यूरोप के वर्क परमिट भी, और मेरा खुद पोलैंड का वर्क परमिट आया है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर मेरे गोल्फ में रहने वाले भाई हैं, अगर उनको कुछ पोलैंड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जाके मेरे ये आई बटन में दिख में आ रही होगी ये वाली वीडियो, पोलैंड वर्क परमिट की मैंने कैसे लिया, तो उन सब के लिए तो अलग वीडियोस बनी हुई हैं। लेकिन आज मैं पैकिंग की बात करने लगा हूँ, तो शेफ भाई के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ भाई। सलाम जी। तो शेफ भाई क्या हाल चाल है। और शेफ भाई सबसे पहले सैलरी बता दें कितनी है। ये 1200 दिरहम प्लस होता है। 1200 दिरहम प्लस ओवर टाइम है। ड्यूटी कितने घंटे शेफ भाई। 9 घंटे ड्यूटी है, 3 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलेगा, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी ये आपको एजेंट बताएंगे, एजेंसी बताएगी, लेकिन हमारे मुताबिक 1200 और तकरीबन आपकी 1800 के करीब करीब सैलरी बन जाएगी। ये बकौल मैं हूँ, बाकी आप इंफॉर्मेशन एजेंट से ले सकते हैं। अच्छा शेफ भाई, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कोई। अच्छा, इसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक हो गया, मैट्रिक होनी चाहिए और पासपोर्ट वगैरह। पासपोर्ट वगैरह कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपका पासपोर्ट और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अच्छा शेफ भाई, ये कोई गल्फ में रहने वाले कोई लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से गल्फ में आना चाह रहे हैं, खासतौर पर दुबई में, तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, यानी कि इस पैकिंग कंपनी के अंदर। अच्छा शेफ भाई, इसकी फ़ीस वगैरह कुछ है डिटेल। ये 4,45,000। 4,45,000 रुपये इसकी फ़ीस है इस वीज़े की, और इसमें प्रोटेक्टर वीज़ा ओके टिकट भी है। अच्छा इसमें, अच्छा हाँ यार, ये तो फिर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही, क्योंकि काफ़ी एजेंट्स जो हैं प्रोटेक्टर टिकट के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन 4,70,000 के अंदर आपका प्रोटेक्टर वीज़ा और टिकट शामिल है, जो बहुत अच्छा चांस है। मेरे हिसाब से फीस तो बहुत कम है, बाकी आपका दिल मुतमईन हो तो अप्लाई करें, दिल मुतमईन हो तो ना अप्लाई करें। सारी डिस्क्रिप्शन और सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके अप्लाई करें, एजेंट से कॉन्टैक्ट करें, एजेंसी को कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी तरह की और वीडियो के लिए मैं अपना चैनल का आपको आई बटन दे दूँगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।